हेलो एवरीवन, हमारे चल रहा था लोकसभा सीट, विभिन्न राज्यों की लोकसभा सीटों के बारे में अपन पढ़ चुके थे, तो आप आज इन नामों को देख के पहचान चुके होंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है, देखो अपन ने आपको बताया था वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितनी है, यह बात अपन आपको बता चुके हैं। वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 543 सीटें वर्तमान में लोकसभा की है, जिनमें जिनमें क्या होता है, दो भागों में डिवाइड है। कैसे है? 530 सीट तो क्या करती है, विभिन्न स्टेट है, जो हमारे कितने स्टेट है, 28 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 28 राज्यों के सांसद इन 530 सीटों पे अपने सांसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। समझ चुके हैं आप? अब बचा कितनी? 543 में से 30 है तो कितने बची? 13। अभी 13 सीटें कहां से है, यही आज का हमारा टॉपिक है। क्या 13 सीटें आती है? हमारे केंद्र शासित प्रदेशों से। कहां से आती है? हमारे केंद्र शासित प्रदेशों से। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और इन 13 सीटों के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा की सीटें, यूटी लोकसभा सीट, यह है आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपने इसे प्रीवियस वीडियो देख चुके होंगे लोकसभा की सीटों के में। आप याद रखना, डायरेक्ट आपसे पूछेगा, एक कोई भी राज्य का नाम दे देगा और डायरेक्ट आपसे पूछेगा लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट। आइए सेशन को चालू करेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ लोकसभा सीट लिखेंगे, राज्यसभा सीट भी अपन यहीं कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड राज्यसभा सीट आएगी, तो आप यहीं से याद रखें, ठीक है। आइए देखो, सबसे पहले हमारा केंद्र शासित प्रदेश, भारत की राजधानी, केंद्र शासित प्रदेश और भारत की राजधानी कौन सी है? हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है। कौन सी है? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। यहाँ पे बात करेंगे लोकसभा सीटों की संख्या। सबसे पहला सवाल, तो दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 7 लोकसभा सीट है। पहला सवाल, दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या 7 है। तो अब आते हैं दिल्ली में राज्यसभा सीटों की संख्या। तो दिल्ली में कितनी राज्यसभा सीट हो जाती है? 3 राज्यसभा सीटें हो जाती है। कितनी राज्यसभा सीट हो जाएगी? 3 राज्यसभा सीट हो जाती है। तो 7 तो लोकसभा सीट हो गई और 3 राज्यसभा सीट हो गई। आइए अगला आता है हमारा पुदुचेरी। आइए पुदुचेरी में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। पुदुचेरी में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? राज्यसभा सीटों की संख्या भी 1 है। तो अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा? दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या 7, पुदुचेरी में लोकसभा सीटों की संख्या 1। फिर बात करते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। कितनी है? 1 लोकसभा सीट है लक्षद्वीप में। कितनी लोकसभा सीट है लक्षद्वीप में? 1। लक्षद्वीप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी ट्रेंडिंग में है, पूछ सकता है सवाल आपसे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 लोकसभा सीट है। दादर और नगर हवेली में कितनी है? 1 लोकसभा सीट है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। दमन व द्वीप में कितनी है? 1 है। और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है? लद्दाख। लद्दाख में लोकसभा सीटों की संख्या, लद्दाख में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 1 है। अब आप बोल रहे होंगे, क्या हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? पहला सवाल आपसे, हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 7 है या 8 है? हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। तो 8 नंबर किसका आएगा? हमारे चंडीगढ़ का। किसका आएगा? चंडीगढ़ का। और यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या 1 लोकसभा सीट है। तो यहाँ से अपन ने क्या समझा? यहाँ से हमने यही समझा, दिल्ली को छोड़ के, दिल्ली लोकसभा सीट, दिल्ली को छोड़ के, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ के, बाकी सभी जितने भी हमारे यूटीज है, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश है, जिनकी लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। तो पहला सवाल, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला केंद्र शासित प्रदेश हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, ठीक है। अब आपसे पूछ सकता है, सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटों वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वह भी दिल्ली है, वहां पे 3 लोकसभा सीट है। तो ये आपका, अपन रिवीजन करते हैं। दिल्ली 7 लोकसभा सीट, लक्षद्वीप 1 लोकसभा सीट, पुदुचेरी 1 लोकसभा सीट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1 लोकसभा सीट, दादर और नगर हवेली 1 लोकसभा सीट, दमन व द्वीप 1 लोकसभा सीट, लद्दाख 1 लोकसभा सीट और चंडीगढ़। तो देखो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हो गई। लद्दाख को देखो, अभी आप है ना, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, इसलिए आप इसको यहां से याद ना रखें, तो आप याद इतनी रखें। देखो क्योंकि हमारे है ना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, कितनी लोकसभा सीट है? अभी टोटल 550 है। कितनी है? 550 है। और इनमें क्या है, 550 में 531, सॉरी 530 तो क्या करेगी,
लोकसभा का प्रतिनिधित्व करेगी विभिन्न राज्यों का, और जो 19 है ना, 19 लोकसभा सीटें आपको यहाँ पे पढ़ाई गई है, पूरी टोटल 19 है केंद्र शासित प्रदेशों की, वर्तमान में चुनाव इन्हीं पे हो रहे हैं। तो यह आपसे पूछ सकता है। कल मिलते हैं आपके साथ एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक चैनल को प्यार देते रहिए, रिविजन करते रहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव अभी चल रहे हैं, अगले जैसे चुनाव खत्म होते हैं आपके एग्जाम में यही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। कल मिलते हैं आपके साथ ऐसे, प्यार दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।